एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे मौजूदा वक्त में। इस वक्त वो बिहार के राज्यपाल हैं। तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद होंगे। तो आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक थी, उस बैठक में नाम तय हो गया है, नाम का ऐलान हो गया है और रामनाथ कोविंद एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना हमारे एजेंडे में है, शिवसेना को भी और जो भी हमारे सहयोगी दल है उनको सूचित किया जा रहा है, उनको खबर दे दी गई है, नाम मीडिया के माध्यम से सबके सामने रख दिया गया है। क्योंकि कई सहयोगी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दल जो थे, उन्होंने नाम की मांग की थी कि आप नाम का ऐलान पहले कीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे समर्थन करना है या नहीं। और इसमें शिवसेना भी प्रमुख है, शिवसेना ने कहा था कि आप पहले नाम तय कीजिए उसके बाद हम तय करेंगे आपके साथ हैं या नहीं। तो अब रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 17 जुलाई को मतदान होना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए और 20 जुलाई को मतगणना होगी। 24 जुलाई को जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। आज एनडीए ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है, रामनाथ कोविंद जो इस वक्त बिहार के राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए की तरफ से। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम पर सहमति बनी और अब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा कि सबसे जो सहयोगी दल है हमारे उनसे मिलके उनके सामने नाम रखा जाएगा और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से सब लोग इसे मानेंगे क्योंकि वो ईमानदार छवि के हैं रामनाथ कोविंद। और अमित शाह को भी ये उम्मीद है कि सब लोग साथ मिलके एनडीए की जो ताकत है उसको बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ने नाम का ऐलान कर दिया, यानी एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे वो रामनाथ कोविंद होंगे। मौजूदा वक्त में वो इस वक्त बिहार के राज्य